दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, आप VI के यूजर हैं, वोडाफोन आइडिया की सर्विस यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास हो सकता है, जहां पे VI दोस्तों फिलहाल आपको अनलिमिटेड डेटा दे रहा है। यस दोस्तों, कुछ लोगों का, मेरे कुछ सब्सक्राइबर का ये दावा है कि हकीकत में टोटली अनलिमिटेड डेटा, आपकी डेली लिमिट खत्म होने के बाद कुछ ऐसी ट्रिक है, अगर उसको आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको टोटली अनलिमिटेड 4G डेटा मिल रहा है। कितनी सच्चाई है इसके अंदर, क्या है ये ट्रिक, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जियो एयरटेल VI आपको तगड़े तगड़े ऑफर देते हैं। फिलहाल अगर बात कर ली जाए जियो एयरटेल VI के अंदर सबसे बेस्ट सर्विस आपको कौन दे रहा है, उसमें एयरटेल नंबर वन आता है। सबसे बेस्ट डेटा आपको कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा डेटा कौन दे रहा है दोस्तों, सबसे बेहतरीन ऑफर कौन दे रहा है, वो VI है। VI दोस्तों आपको जिस प्राइस के अंदर आपको बाकी कंपनी जियो एयरटेल आपको 2 GB डेटा देता है ना, यहाँ पे आपको 4 GB डेटा देता है। वीकेंड डेटा रोल ओवर मिलता जो कोई नहीं दे रहा ना जियो ना एयरटेल। नाइट में बिंग ऑफर मिलता है, अनलिमिटेड डेटा आपको मिलता जो ना जियो देता ना एयरटेल। तो फिलहाल दोस्तों सारी चीजों में यहाँ पे VI बेस्ट है। लेकिन VI के साथ दोस्तों कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे निकल के आ रही है मेरे कुछ यूजर्स, पिछले एक महीने से दोस्तों मुझे यहाँ पे बातें आ रही है। जब मैं राजस्थान में था तब भी मुझे दोस्तों कुछ कलकत्ता से हमारे दोस्त हैं अहमदाबाद से दोस्तों हमारे कुछ यूजर्स, जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमें डेटा खत्म होने के बाद भी डेटा अनलिमिटेड मिलता है, हमारा डेटा खत्म नहीं हो रहा है। ज्यादातर ये होता है कि जब भी आपके 1 या 1.5 GB डेटा की लिमिट होती है, आपको जैसे ही 50% पहुंचते एक मैसेज आता है कि भाई 50% खत्म हो चुका है, भाई 80% खत्म हो चुका है, 90% खत्म, डेटा खत्म, आप नया रिचार्ज कर लो डेटा वाला, ऐसा कुछ आपको मैसेज आता है। लेकिन इन यूजर्स के पास दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है कि डेटा खत्म होने के बाद भी आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। कुछ लूप होल है पता नहीं क्या, लेकिन हकीकत में ये इतनी सच्चाई, क्योंकि मैं जिन लोगों से दोस्तों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो डेटा यूज नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास वाईफाई लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस चीज के बारे में फिलहाल मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करके आपको डेफिनेटली बता दूंगा अपडेट। लेकिन फिलहाल जो यूजर्स यहां पे बता रहे हैं, अगर दोस्तों ये सच है तो हकीकत में डेटा अनलिमिटेड आपको मिल रहा है। ट्रिक क्या उसके बारे में बताऊंगा, पहले दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं और दिखाता हूं दोस्तों कि मेरे जो यूजर हैं उन्होंने मुझे क्या क्या बताया, किस तरह से दोस्तों काम करता है। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जहां पे हमारे भाई हमारे दोस्त दोस्तों यहां पे जो हमको नए नए अपडेट देते हैं। कुछ दिनों पहले दोस्तों मैंने 2 दिन पहले आपको एक वीडियो बना के बताया था, जहां पे आप अगर डेटा खत्म होने के बाद कोई रिचार्ज करते हैं, जैसे मैंने 1 GB का रिचार्ज किया था दोस्तों यहां पे, तो मुझे 1 GB की जगह 1.5 GB डेटा मिला था। यस, तो VI दोस्तों ऑफिशियली बताता नहीं है लेकिन मिल रहा है, ऑफिशियली की वेबसाइट पे कहीं नहीं लिखा कि 1.5 GB डेटा मिलेगा, लेकिन 1.5 GB मिल रहा है। और यहां पे दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि भाई मेरे VI डेली डेटा कंप्लीट होने के बाद भी इंटरनेट चलता है बिना वीकेंड डेटा रोल ओवर, कोई वीकेंड डेटा रोल नहीं उसके बाद भी चलता रहता है। और इस चीज को दोस्तों पॉइंट आउट करते हैं हमारे अहमदाबाद के हमारे दोस्त दोस्तों यहां पे तीर्थ पंचाल, उन्होंने दोस्तों मुझे कुछ सबूत यहां पे भेजे। पहले तो VI के साथ दोस्तों कुछ पंगा भी चल रहा है, देखेंगे इस यहां पे आप देखेंगे यहां पे 12.5 GB डेटा यहां पे बताया जा रहा है, हालांकि 12.5 GB इनका प्लान ही 449 है जहां पे 4 GB डेटा मिलता, तो ये कौन सा है पता नहीं, लेकिन कुछ पंगा VI के साथ चल रहा, हो सकता है ये कुछ लूप होल हो, कुछ ग्लिच हो यहां पे टेक्निकली, इसके हिसाब से डेटा मिल रहा हो सकता है। लेकिन यहां पे देखेंगे दोस्तों इनका प्लान 449 का है, जो यहां पे 3 जुलाई को इन्होंने किया था, देख सकते हैं यहां पे लास्ट रिचार्ज बता रहा है 449 और कुछ दोस्तों इस तरह से सारी चीजें यहां पे देखने को मिलती है। अब मैं आपको दिखाऊं दोस्तों इनका प्लान आपने देख लिया पे है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने कुछ कोड्स वगैरह भी मुझे भेजे, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं जहां पे इन्होंने खुद ने बताया कि किस तरह से यहां पे कौन सा प्लान चल रहा है आपके उसके लिए। देखेंगे दोस्तों यहां पे कोड डाल रहे हैं यहां पे *199 *2*1 देखेंगे दोस्तों डाल के, इनका प्लान चल रहा है 4 GB डेटा वाला प्लान इनका चल रहा है यहाँ पे, तो इन्होंने क्लियर बता दिया कि मेरा 4 GB डेटा वाला प्लान चल रहा है। इनका डेटा बिल्कुल खत्म होने के बाद दोस्तों कितना डेटा मिलता है, एक स्क्रीनशॉट दोस्तों इन्होंने मेरे साथ शेयर किया जहाँ पे क्लियर बता रहे हैं यहाँ पे कि कितना डेटा यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे टुडे इज यूजर्स, इसमें पर्टिकुलरली आप देख सकेंगे 31.21 ऑलमोस्ट 32 GB डेटा ये एक दिन में यूज कर चुके हैं। 32 GB कैसे पॉसिबल है, 32 GB देख सकते हैं, जबकि डेटा प्लान कोई भी एक्टिव नहीं है, नो डेटा प्लान, उसके बावजूद 232 GB डेटा इन्होंने यूज कर लिया, ऑलमोस्ट पूरे महीने में 202 GB यहाँ पे कर चुके हैं। और ये दोस्तों VI का ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। और इन्होंने दोस्तों मुझे यहाँ पे बताया, पहले इसको वाइंड अप कर देता हूं मैं दोस्तों, इन्होंने मुझे यहाँ पे बताया कि किस तरह से आपको काम करता है। पहले दोस्तों बता दूं कि जैसे ही आप डेटा यहाँ पे खत्म होता है, जैसे आपका डेटा खत्म होता है 90% की आपको लिमिट आएगी, फिर 100% एग्जॉस्ट होने के बाद आपके यहाँ मैसेज आएगा कि आपका डेटा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये आपको मैसेज जो का खत्म होने वाला मैसेज आपको 1 घंटे बाद मिलता है, अभी डेटा आपका खत्म हो गया तो आपको पता चल गया, 1 घंटे बाद दोस्तों आपको मैसेज आएगा यहाँ पे कि आपका डेटा खत्म हो चुका है, ब्ला ब्ला न जाने क्या लिखा होगा, आपका डेटा खत्म, अब आप नया रिचार्ज कर सकते हैं ऐसा वैसा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 1 घंटा जो होता है, जैसे आपका डेटा खत्म होता है आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका डेटा यूज करना बंद कर देना है, ऐसा दोस्तों हमारे कस्टमर यहाँ पे बता रहे हैं, हमारे जो यूजर है वो बता रहे हैं। आपका डेटा खत्म होते ही आपको डेटा यूज करना बंद कर देना दोस्तों, डेटा यूज नहीं करना, यहाँ सुनना ये एक ट्रिक है,
अगर ये चल जाती तो बहुत अच्छा, हो सकता है वोडाफोन आइडिया ट्रिक को समझ के बाद में बंद कर दें। लेकिन दोस्तों ये ऐसी ट्रिक है जो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है कोई यहाँ पे टेक्निकल बग हो। जैसे आपका डेटा डेली रूटीन का डेटा 1GB 2GB 3GB या 4GB आपका अगर प्लान है, 4GB डेटा आपका खत्म होता है तो आपको डेटा यूज करना बंद कर देना है। 1 घंटे बाद आपके पास मैसेज आता है कि आपका डेटा एग्जॉस्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैसेज तुरंत नहीं आता, 1 घंटे बाद आपको देखने को मिलता है। वो मैसेज आने के बाद मतलब आपका डेटा खत्म होने से 1 घंटे बाद दोस्तों आपको क्या करना है, याद रखना बीच में आपको डेटा एक्टिवेट नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये करना है कि आपका जो फोन है उसको फ्लाइट मोड पे डालना है। याद रखना फ्लाइट मोड पे डालने से आपका जो नेटवर्क कनेक्टर सब कुछ चला जाता है, डेटा बंद, नेटवर्क बंद, सब कुछ बंद। फ्लाइट मोड पे डालना है दोस्तों, 10 से 15 सेकंड उसको फ्लाइट मोड पे ही रखना है और उसके बाद आपको फिर से उसको ऑन करना है, ठीक है, फ्लाइट मोड से हटा देना है। जैसे ही आप दोस्तों हटाएंगे उसके बाद दोस्तों फिर से डेटा यूज करने जाएंगे तो आपका इंटरनेट फिर से चालू हो जाएगा। ये मैं नहीं, मेरे दोस्तों बहुत सारे सब्सक्राइबर बता रहे हैं, कलकत्ता से, गुजरात से, बहुत अलग अलग जगह से दोस्तों मुझे 500 चीजें देखने को मिली और आज तक मैंने चीज देखी तो हकीकत में ऐसा लग रहा कि हकीकत में ऐसा कुछ है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों चीज करने के, अगर आप वीआई यूजर हैं और आपका डेटा खत्म हो जाता है, डेली डेटा यूज खत्म हो जाता है, तो प्लीज 1 घंटे तक डेटा बिल्कुल मत यूज करना। फिर आपको 1 घंटे बाद दोस्तों मैसेज आएगा आपका डेटा वगैरह खत्म हो चुका, तो 1 घंटे बाद जाके जब आपका डेटा खत्म हुआ उसके बाद जाके आपको यहाँ पे अपने फोन को फ्लाइट मोड पर डालना है। फ्लाइट मोड पर जैसे ही डालेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा, 10-15 सेकंड तक वैसे रहने दीजिए, फिर 15 सेकंड बाद फिर से उसको एक्टिवेट करना, चालू करना और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेटा चालू हो जाता है। वैसा दोस्तों यहाँ पे दावा है लोगों का, और क्या ऐसा होता है मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों ये ट्रिक क्या आपके साथ काम करी, और अगर कम कर गई है तो एंजॉय करिए, क्योंकि जब तक वोडाफोन आइडिया को पता नहीं तब तक तो आप यहाँ पे रगड़िए आराम से। क्योंकि मेरे कुछ यूजर ऐसे जो अभी से नहीं पिछले 6 महीने से दोस्तों आसाम और दोस्तों सिलीगुड़ी के आसपास दोस्तों यहाँ पे हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि मैं अनलिमिटेड डेटा मतलब खत्म होने के बाद भी मुझे 4G डेटा यहाँ पे मिलता है। तो कुछ ना कुछ तो है, क्या वोडाफोन आइडिया फ्री में डेटा दे रहा, क्योंकि फिलहाल उसकी हालत टाइट है, नहीं चाहता कि कस्टमर चला जाए, हो सकता है सभी को अनलिमिटेड यहाँ पे दे रहा हो। तो प्लीज इस चीज को जरूर याद करना और ये ट्रिक करके मुझे जरूर बताना कि आपको अनलिमिटेड डेटा मिला। और ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो थम्स अप जो दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ उन्हें लिफ्ट में चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो लाल कलर का बटन है उसको जो दबा देना, उसको दबाने से हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के VIP मेंबर बन जाएंगे। इसके पास देखिए का घंटी का बटन है उसको जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा सबसे पहले आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप देख सकेंगे मेरा नया ताजा वीडियो सबसे पहले। तो प्लीज भूले बिना इस घंटी के बटन को जो दबा देना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बढ़िया अपडेट के साथ।